चैप्टर नंबर टू, कास्केडिंग स्टाइल सीट एंड जावास्क्रिप्ट। सीएसएस उसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट? उसका नेम से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब भी आपको फॉर्म के अंदर स्टाइल या डिजाइनिंग या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा सा ऐड करना हो तो कंपलसरी आपको सीएसएस का यूज करना पड़ेगा। सेकेंड जो है वो है जावास्क्रिप्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म है जेएस। मैं इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कई टाइम एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म भी मैक्सिमम यूज किया गया है और कई स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाते। ये जावास्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी आप बोलोगे सर ये सबका पर्पज क्या है? जिसे सीएसएस है जो स्टाइलिश बनाने के लिए, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट है वो पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? आपको राइट गाइडलाइन देगा, राइट डेटा या वैलिडेशन कंप्लीट करना, ये सब काम है जावास्क्रिप्ट का। बट चैप्टर टू स्टार्ट करने से पहले आपके चैप्टर फर्स्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कौन से? व्हाट इज एचटीएमएल, हाउ टू क्रिएट द फॉर्म यूजिंग सीएलआई एज वेल एज कंपोजर, कंपोजर के थ्रू फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, और कंपोजर के जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही चैप्टर टू स्टार्ट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट के इनसाइड उसके कई सारे न्यू वर्जन है। जैसे सीएसएस का लेटेस्ट मार्केट में न्यू वर्जन है CSS3, और जावास्क्रिप्ट का भी ऐसे ही है। तो यहाँ पे दोनों माइंड में सेट करना चाहिए। अभी सेशन वन के अंदर सबसे फर्स्ट हम सीएसएस के बारे में क्लैरिफाई, एक्चुअली सीएसएस है क्या, उसका यूज किसके लिए और उसकी सिंटेक्स क्या है। अभी आप लोगों से सिंटेक्स दैट्स मींस व्हाट, उसको हम रूल्स भी बोला जाता है। तो सीएसएस स्टार्ट करने से पहले उसके सब थ्योरी क्लियर होने चाहिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल। और नेक्स्ट जो हम क्लैरिफाई करने वाले सेशन 2, 3, 4, उसमें जावास्क्रिप्ट के बारे में उसके भी खुद के रूल्स हैं, फंक्शन क्या है, मेथड क्या है, कीवर्ड क्या है, राइट? और लास्ट में उसका प्रैक्टिकल और टेक्स्ट बुक के पीछे के जो भी एमसीक्यू सॉल्व है वो एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर गया। लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर फर्स्ट। आपको कोई पूछे व्हाट इज सीएसएस, है ना, व्हाट इज यूज ऑफ द सीएसएस, तो सबसे फर्स्ट आंसर आना चाहिए स्टाइलिश फॉर विजुअल एलिमेंट। आपको स्टाइलिश बनाना है और लुक वाइज बेटर दिखे, इसके लिए हम सीएसएस या कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं। सेकंड जो इफेक्ट है, स्टाइल स्पेसिफाई द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर पेज। आपको जैसे गूगल के एंट्रेंस पेज है, गूगल जब हम स्टार्ट करते हैं उसके एंट्रेंस पेज में जो भी लोगो दिखाई देता है वो एक सीएसएस का टाइप है। आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट, फॉन्ट के एलिमेंट एज वेल एज कलर, पैड स्पेस, फॉन्ट, दो फॉन्ट के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, टू पैराग्राफ के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, मार्जिन जैसे लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन, एलिमेंट पोजीशन दैट मींस अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट टॉप बॉटम, वो सब हम यहाँ पे वेबसाइट के अंदर प्रॉपर स्टाइलिश बनाना हमारा काम है। अभी आप बोलोगे सर ये सब हम क्यों लर्न कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने क्लाइंट को मिस वेबसाइट के विजिटर को कंटिन्यूस आपकी वेबसाइट में अटैच रखना हो, या वो कंटिन्यूस आपकी वेबसाइट या वेब पेज यूज करें, तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन और आपका डिजाइनिंग और स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रक्चर ही बोरिंग होगा तो नेक्स्ट टाइम से वो आपकी वेबसाइट पे आएगा नहीं। और दूसरे कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो यूजर फ्रेंडली है। बेस एग्जांपल दूंगा तो समझ में आने लगेगा। सीएसएस यूज करने के मेजर 3 पार्ट्स है, अवॉइड डुप्लीकेट इनकोडिंग, सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट पर्पस एंड इजी टू मेंटेन कोड। अभी ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं उससे पहले से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये मोस्ट टाइम पे है। इसको ये एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एडवांटेज में भी आ जाता है और उसका यूज है उसमें भी आ जाता है, तो 2-in-1 पॉइंट है उसके अंदर। अगेन रिपीट करवाता हूं, अवॉइड डुप्लीकेशन,
same content with different style for different purpose and easy to maintain. चलिए उसके syntax हम सबसे first clear करते हैं. What is the syntax of the CSS? Syntax का दूसरा नाम है rule. अब जब reference book में देखोगे तो समझ में आ जाएगा. क्या बोला जाता है? Rule. Okay. Syntax के major two parts हैं. First selector and declaration. अच्छी तरह observe करना. Most time पे है. Selector and declaration के बीच में कौन सा bracket है? Curly bracket. Bracket ही बोला जाता है पर curly bracket है. एग्जाम में आपको पूछा जाता है सीएसएस के सिंटेक्स या रूल्स के कितने पार्ट हैं? A1, B2, C3, D4. तो आपका आंसर आना चाहिए 2. Which? तो first selector, second declaration. Okay, चलिए यहां से और भी हम क्लैरिफाई करते हैं. डिक्लेरेशन के कितने पार्ट हैं? तो अगेन आंसर आता है 2. First property, second value. Okay. अगेन इसमें क्वेरी है H1 क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए वो सिलेक्टर है. प्रॉपर्टी क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए कलर. एंड वैल्यू क्या है? आपका आंसर आना चाहिए ग्रीन. मोस्ट एमपीए स्टूडेंट इसको भी प्रॉपर अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन करते जाना. अभी इसमें वैरायटी ऑफ द एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं वो हम क्लैरिफाई करते हैं. ओके. प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल है? कॉलन. सिलेक्ट और डिक्लेरेशन के बीच में कर्ली ब्रैकेट. यस. H1 क्या है? सिलेक्टर. ओके. चैप्टर फर्स्ट के अंदर H1 को क्या बोला गया था? हेडिंग. टोटल हेडिंग कितने हैं? 6. राइट. इसमें से सबसे हाईएस्ट हेडिंग कौन सा है? H1. सबसे लोएस्ट कौन सा है? H6. ओके चलिए. बट आपको जब क्वेश्चन के अंदर सीएसएस पूछा गया और आपको पूछा H1 H2 क्या है तो ऑलवेज आपका आंसर होना चाहिए सिलेक्टर. ओके. कलर क्या है? प्रॉपर्टी है. ग्रीन क्या है? वैल्यू है. इन बिटवीन आपको कौन सा सिंबल ऐड करना है? कॉलन. अभी देखो जो स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है, टू डॉट है तो उसका सी बना दो, उसको कॉलन बोलते हैं. ऐसा सिंबल हो उसका एस बना दो तो उसको क्या बोला जाता है? सेमी कॉलन. देखो एस जैसा दिख रहा है, जैसे मैं यहां पे टच कर देता हूं एस सेमी कॉलन. डिक्लेरेशन के इनसाइड एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो, एक से ज्यादा, तो एवरी डिक्लेरेशन के बाद कंपलसरी आपको ऐड करना पड़ेगा सेमी कॉलन. तो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर सिंबल भी पूछा जा सकता है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको स्पेलिंग भी पूछा जाओ, तो दोनों मेथड से रेडी होना चाहिए. इसमें किसी को कोई क्वेरी है मुझको चैट या कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो. इसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर माइंड में सेट होना चाहिए. जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर था ऐसे सीएसएस का ये स्ट्रक्चर है. आपको टाइप नहीं करना है बट थियरी पर्पस मोस्ट टाइम पे 110% इसमें से एक एमसीक्यू आने वाला है. कोई क्वेरी है इसके अंदर? नो. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं. अभी इसमें से एमसीक्यू उसकी थियरी के हिसाब से देखिए यहां पे लिखा हुआ है सीएसएस के अंदर जो स्पेशल सिंबल है उसको रूल्स बोला जाता है और उसको सिंटैक्स भी बोला जाता है. सीएसएस के रूल्स के मेजर टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट सिलेक्टर और सेकंड डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन एक से ज्यादा हो सकता है, इसके लिए एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो तो एवरी डिक्लेरेशन के बाद कंपलसरी आपको सेमीकोलन ऐड करना है. राइट. सिलेक्टर इज एचटीएमएल एलिमेंट, तो एचटीएमएल एलिमेंट मींस व्हाट? H1 H2 H3 H4 H5 और H6. इसके अलावा P और प्री दोनों है. ओके. उसके थ्रू ही पूरा स्टाइल अप्लाई होता है. ये जो मैं वर्ड हाईलाइट करवा रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स के अंदर पेज भर भर के नोट्स नहीं लिखनी है. जो इंपॉर्टेंट है
ग्राफ और चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना, जैसे मैंने पहले वो चार्ट रिप्रेजेंट किया था। अभी ये सब थ्योरी नहीं स्टडी करना, आपको एग्जाम के अंदर स्पीड से क्लैरिफाई करना, तो नोट्स बना के रेडी रखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द एचटीएमएल एलिमेंट। एग्जाम में आपको पूछा सीएसएस के जो रूल्स है वो कौन से एचटीएमएल एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सिलेक्टर। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा था चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर क्लियर करना थ्योरी विद प्रैक्टिकल, और एग्जाम भी मैं एज सून पॉसिबल कंप्लीट करने वाला हूँ। पर आप अभी भी आपके कई सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए तो उसके एग्जाम लेके कोई फायदा नहीं। ओके, चलिए इसके बाद सीएसएस आपको कंपोजर के थ्रू अप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हो, तो सबसे फर्स्ट आपको कंपोजर के सब टूल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए। ओके, जैसे कंपोजर स्टार्ट करते हो तो मेनू बार में मेनू कितने हैं, बोलो मेनू बार में मेनू कितने हैं, चैट के या कमेंट के अंदर मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो कितने हैं। 8। ओके, कंपोजिंग टूल बार, इसके बाद कौन सा टूल बार आता है, बोले स्टूडेंट, फॉर्मिंग टूल बार 1, राइट। उसके बाद टोटल कितने टूल बार है, आपको पूछा टोटल टूल बार कितने हैं, 3। कंपोजिंग टूल बार, फॉर्मिंग टूल बार 1, फॉर्मिंग टूल बार 2, तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके, आपको सीएसएस अप्लाई करना हो, सीएसएस अप्लाई करने की टोटल 3 मेथड है। ओके, रेफरेंस बुक के अंदर शॉर्टकट की नहीं दिए, और सीएसएस यूज करना हो तो कंपोजर के अंदर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। कई टेक्स्ट बुक के अंदर एडिट प्रेफरेंस है, कई टेक्स्ट बुक के अंदर टूल्स में ऑप्शन है। ओके, अभी के लिए मैं दोनों क्लैरिफाई करवा दूंगा, राइट कौन सा है मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगा। जैसे आप सीएसएस अप्लाई करते हो उसमें चेकबॉक्स के अंदर जाके यूज स्टाइल एलिमेंट वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा तो और भी समझ में आया। कंपोजर विल नाउ द यूज द सीएसएस स्टाइल शीट, तो कई ऑप्शन है। अभी तक हम एचटीएमएल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उसके अंदर सीएसएस अप्लाई करना हो तो ये ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग 1 लेता हूँ जो हमारे लिए सिलेक्टेड है, उसके अंदर इतनी सारी डिक्लेरेशन है, कितनी सारी डिक्लेरेशन है, 1, 2, 3, 4 and 5, कितना डिक्लेरेशन है, 5 डिक्लेरेशन है। तो ये फॉन्ट क्या है, कोई बोल सकता है आंसर, व्हाट इज अ फॉन्ट, प्रॉपर्टी या वैल्यू है, प्रॉपर्टी है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है, वैल्यू है। दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है, कॉलन। ओके, एक डिक्लेरेशन ओवर करने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, बाद में अपर ये सेकंड डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ। केस क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अपर केस क्या है, वैल्यू। एक सेकंड डिक्लेरेशन ओवर सेमी कॉलन, ये थर्ड डिक्लेरेशन, ओके सेमी कॉलन, फोर्थ डिक्लेरेशन सेमी कॉलन, लास्ट में यहाँ पे जो भी अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम में इसमें से कोई भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओके, आपको पूछा जाता है लास्ट में बॉर्डर क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है और डॉटेड बॉर्डर वो उसकी वैल्यू है, राइट। एग्जाम में आपको पूछा जाता है एवरी डिक्लेरेशन के बाद कौन सा सिंबल अप्लाई करना है, सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन, कॉलन। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको सीएसएस के इनसाइड कोई क्वेरी नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई, अभी इसका प्रैक्टिकल और एक एक स्क्रीनशॉट समझाता हूँ। दूसरी ऑप्शन है कंपोजिंग टूल बार में जाके कास्केडिंग टूल्स का बटन पे क्लिक करो, शॉर्टकट की है F11, जो न्यू कंपोजर का वर्जन है उसके अंदर ये शॉर्टकट गया है, रेफरेंस बुक में नहीं है, तो आपको प्लीज इसको नोट डाउन कर देना पड़ेगा। तो टोटल सीएसएस अप्लाई करने की 3 मेथड है, एक टूल्स में जाके, कंपोजिंग टूल बार में लोगो, और शॉर्टकट की F11। सर इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा, पहले थोड़ा सा थ्योरी क्लैरिफाई कर दीजिए, इसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब आप डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट करते हो डायरेक्टली आपको स्टाइल अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, नहीं करोगे आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 और कोई भी दूसरे बटन पे क्लिक करोगे तो सीएसएस हैंग हो जाएगा।
सर सीएसएस हैंग होगा, दैट्स मींस वो आपको इन्फॉर्म दूंगा जब प्रैक्टिकल करके तभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके तो ये बटन पे आपको अप्लाई करना है, कौन सा बटन है, क्रिएट स्टाइल रूल बटन पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। अभी देखो ये ड्रॉप डाउन मेनू का नाम सुना था आपने, कहां पे था ड्रॉप डाउन मेनू का दूसरा नाम क्या था, सिलेक्शन लिस्ट, सिलेक्शन एंड ऑप्शन। एग्जाम के अंदर मैंने ये वर्ड चेंज करके सिलेक्शन एंड ऑप्शन को, सर ये तो कहीं टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, बट चैप्टर फर्स्ट के अंदर इसका क्लैरिफिकेशन कर दिया है, भाई सिलेक्शन ऑप्शन का अनदर नेम है ड्रॉप डाउन मेनू, राइट। ओके चलिए देखते हैं, ये एक एक स्क्रीनशॉट पहले माइंड में सेट कर लेना, जैसे सीएसएस आप स्टार्ट करते हो, ओके टूल्स में जाके सीएसएस या कंपोजिंग टूल बार में सीएसएस या F11 की शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो सबसे फर्स्ट विंडो ये आएगा जो यहाँ पे कुछ नहीं ब्लैंक होगा। तो टोटल टैब कितनी है समझो, तो यहाँ पे टैब कितना है काउंट करो, तो 7 टैब है। एग्जाम में आपको पूछा व्हेन यू अप्लाई द सीएसएस, ओके तो आपको यहाँ पे ये विजार्ड बोला जाता है, ये जो बॉक्स है ना उसको बोलते हैं विजार्ड या डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। उसमें टोटल टैब कितना डिस्प्ले हो रहा है, 7, कौन सा है बोलिए, जनरल, टैक्स बोलिए, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट एंड यूरल। ओके ये छोटे से मैंने एरो किया हुआ जो अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, हमको ये सब के बारे में एक एक पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है और आपको पूछा सीएसएस के इनसाइड जब अप्लाई किया तो टोटल 7 टैब है, जनरल, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, बॉक्स, लिस्ट एंड ए यूरल। बॉक्स तक ये नहीं करना है अभी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर रिमेनिंग जो है जनरल, टैक्स, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर वो हमको क्लैरिफाई करना है। जनरल के अंदर आपको कुछ टाइप करना नहीं होता, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1, जैसे जनरल के अंदर जाओगे ये है ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे क्लिक करोगे ना आप तो इसमें इतने ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सब है क्या, H1, H2, H3, इसका फुल फॉर्म है हेडिंग 1, 2, 3, बट सीएसएस के अंदर उसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टर, सिलेक्टर। और आपको ये ऑप्शन पे डार्क करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट अप्लाई टू द ऑल एलिमेंट ऑफ टाइप, यहाँ पे क्लिक किया हो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे चले जाना है आपको, और उसमें से मैं H1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसे कंपल्सरी नहीं कि यही होना चाहिए। ओके अभी आप देखो P4 पैराग्राफ जो ऑलरेडी अपने HTML का बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो तो टैग है, प्री नाम का है, टैग है, उसको बोलते हैं प्री फॉर्मेट, इसमें से कोई भी ले सकते हो। अभी के लिए जो मैं रेफरेंस बुक में वही सेम स्क्रीनशॉट आपको समझा रहा हूँ जिसे आपका रेफरेंस बुक का और ये वीडियो का ओके दोनों मैच हो पाए, जिसे आपको कंफ्यूजन पहले स्टार्टिंग में लेस हो, बाद में आप अपने हिसाब से कोई भी आप कोई वी से सर मुझको H4 सिलेक्ट करना है, डोंट वरी सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। बट अभी के लिए मैं H1 सिलेक्ट क्लिक कर रहा हूं, ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, H1 सिलेक्ट करने के बाद आपको ये बटन पे, यस, क्रिएट स्टाइल रूल, कहीं भी ऐसे वैसे बटन पे क्लिक कर दिया तो ये सीएसएस पूरा हैंग हो जाएगा। अगेन स्टेप नंबर 2 के अंदर जैसे आपने H1 सिलेक्ट कर लिया तो देखो पहले यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे H1 आ जाएगा, ऑन द स्पॉट आपको ये बटन पे क्लिक कर देना है, प्रेस कर देना है। ओके उसके बाद डायरेक्टली आपको टेक्स्ट के अंदर जाना है, तो ये जनरल का काम ओवर हो चुका है, अभी हम टेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं, अभी जो है वो थियरी के अंदर समझते जाना। देखो एरो के थ्रू भी मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, जिसे आप H1 पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो H1 क्या आ गया, सिलेक्टर, आप जूमिंग करके भी देख सकते हो। ओके अभी हम जनरल से टेक्स्ट के ऊपर स्विच होते हैं, टेक्स्ट के अंदर जाओगे तो आपको कितने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, सबसे फर्स्ट कौन सा है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, फॉन्ट विथ, स्टाइल, केस अलाइनमेंट। अभी आप बोलोगे सर ये सब भी समझना पड़ेगा, यस ये सब कुछ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन यू यूज द सीएसएस टेक्स्ट टैब के अंदर कितने सारे ऑप्शन है, ए
font family, font size, B, line height, color, C, font weight, style, D, all of these. तो आंसर क्या आना चाहिए? D, all of these. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जैसे टेक्स्ट के टैब के अंदर जब आप टेक्स्ट डेकोरेशन कर रहे हो तो कितने सारे ऑप्शन है, ए ओ लाइनिंग, बी लाइन थ्रू एंड अंडरलाइन, सी ब्लिंकिंग, डी ऑल ऑफ दिस. तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट माइंड में सेट होना चाहिए और जो भी आप डिजाइनिंग करोगे उसका प्रीव्यू आपको बॉटम साइड ये बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होता है. जो जो मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग कर, देखो ओ लाइनिंग का मीनिंग क्या होता है, ये ओ लाइनिंग है जो फर्स्ट वाली लाइन है, अंडरलाइनिंग मिस लास्ट वाली लाइन, ब्लिंकिंग जो फ्लैश जैसी इफेक्ट है, अभी तो मैं नहीं दिखा सकता पर उसका जो रियल प्रैक्टिकल अभी करने वाला है उसके अंदर आपको दिखाई देगा. तो आपको एक एक ओके चलिए, टेक्स्ट के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं, इसके बाद हम टैब में चले जाते हैं. तो आपको एग्जाम के अंदर या नोट्स जब बना रहे हो ना तो आपको ये लिखना है, सेकेंड टैब टेक्स्ट है. टेक्स्ट के अंदर कितने ऑप्शन है, फॉन्ट फैमिली, आपको मालूम है हमने 11th के इनसाइड लर्न किया था कितने टाइप के फॉन्ट स्टाइल होते हैं, टू, सेरिफ एंड सन सेरिफ. जब हेडिंग और टाइटल लगाना हो तो सन सेरिफ यूज करना है, जब लॉट्स ऑफ कंटेंट हो तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल आपको यूज करना है, सेरिफ. तो ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, जब फॉन्ट वाइट विथ साइज प्रैक्टिकल का टाइम और भी प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे एरो के थ्रू भी समझाया हुआ है. ओके, तो ये मेजर टाइप जो है, अभी हम सेकंड टाइप के बाद थर्ड टाइप के अंदर हम स्विच होते हैं, बैकग्राउंड. जब आप बैकग्राउंड यूज करते हो तो कलर, अभी देखो ऑपेसिटी, ऑपेसिटी हमने लर्न किया था, ऑपेसिटी की वैल्यू सिंफी के अंदर जीरो का मीनिंग क्या था, याद है किसी को, इनविजिबल. वन का मीनिंग क्या था, विजिबल. ओके, अभी यहाँ पे नहीं अटक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर टेबल बॉर्डर जीरो का मीनिंग क्या था, ग्रिड इनविजिबल, वन का मीनिंग क्या था, विजिबल. तो यहां पर भी है, तो देखो चैप्टर फर्स्ट के अंदर जीरो वन का मीनिंग अलग होता है, यहाँ पे अलग मीनिंग है क्योंकि यहाँ पे ऑपेसिटी की बात करें, जब भी ऑपेसिटी आप देख रहे हो तो यहाँ पे वन होना चाहिए वैल्यू. आप ये एरो को डाउन साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे कलर बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो टोटल थ्री कलर कॉम्बिनेशन है, आरजीबी. आरजीबी का फुल फॉर्म है रेड ग्रीन एंड ब्लू, और जो कलर कोड है वो हेक्सा में होता है, और जो भी कलर कोड स्टार्ट होता है उसके फ्रंट पे हैशटैग होता है. ओके, एनबीएसपी के आगे कौन सा सिंबल है, एंड, एम पर्सन. एनबीएसपी के पीछे कौन सा सिंबल होता है, सेमीकोलन. सीएसएस के रूल्स के बिटवीन कौन सा सिंबल है, कर्ली ब्रैकेट. रूल्स के अंदर है ना प्रॉप सिलेक्ट और डिक्लेरेशन के बीच में, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कौन सा सिंबल है, कॉलन. एवरी डिक्लेरेशन के बाद कौन सा सिंबल होता है, सेमीकोलन. सेमीकोलन. तो जैसे यहां पर भी कलर कोड के अंदर फ्रंट पे कौन सा सिंबल होता है, हैशटैग. हैशटैग. तो अभी समझ में आया ये सब सिंबल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरे साथ साथ पैरेलल नॉट्स बनानी है, पूरा मिक्स हो जाए तो आपको कंफ्यूज या मैच नहीं होना है. तो एक एक पॉइंट्स माइंड में सेट करते जाना है जो भी कलर आप यूज करते हो, और लास्ट पिक कलर यहाँ पे अवेलेबल होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं, ये बैकग्राउंड का पॉइंट हो चुका. फ्यूचर में आपको इमेज सिलेक्ट करना हो तो इमेज भी आपको प्रैक्टिकल के अंदर समझा दूंगा, अभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है. इसके बाद फोर्थ, बैकग्राउंड के बाद हम बॉर्डर पे जाते हैं. बॉर्डर के अंदर यहाँ पे फोर बॉर्डर सेम है, यहाँ पे बॉक्स टिक होता है, आप अनटिक करोगे तो आपको टोटल फोर ऑप्शन दिखाई देता है. कौन से ऑप्शन आता है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट. ओके, साथ में पैरेलल स्टाइल विथ एंड कलर, टोटल थ्री कॉलम है जिसमें हम वन बाय वन स्टाइल अप्लाई करेंगे. ये ऑप्शन एग्जाम में आपको पूछा, बॉर्डर के अंदर टोटल कॉलम कितनी है, थ्री, स्टाइल विथ एंड कलर. साइड कितना है, फोर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट. समझ में आ रहा है आपको
ये सब एमसीक्यू कैसे थियरी सब पूछे जा सकते हैं, तो ये सब प्रैक्टिकल के थ्रू क्लैरिफाई करना आप, ये स्टेप नंबर 6 है और इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कौन से रूल्स अप्लाई किया है, देखो बॉर्डर के अंदर एक का सॉलिड है टॉप, तो देखो ये सॉलिड बॉर्डर की इफेक्ट, राइट साइड का डॉटेड है तो ये राइट साइड हुआ, बॉटम साइड हैश तो ये हैश टैग, लेफ्ट साइड डबल तो ये डबल साइड है। ओके अब सबकी, पर इसके लिए आपको यहां पे अनचेक करना पड़ेगा, देखो पहले चेक था इसके लिए सेम था ओके, और सबकी विड्थ देखो यहाँ पे डिफरेंट है, लेफ्ट राइट बॉटम ओके, सबका कलर भी डिफरेंट है, देखिए टॉप है तो रेड है, ग्रीन है तो यहाँ पे, तो सब कुछ आप डिजाइन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, और उसका प्रीव्यू आपको बॉटम साइड ही मिल जाएगा ओके। इसके अलावा बॉक्स ओके, लेस, यूरल, उसके थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के तक यहाँ पे स्टॉप कर देना है ओके। आई होप सो ये सब ऑप्शंस जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के अंदर आपको क्लैरिफाई करते रहना पड़ेगा ओके। देखते हैं अभी, जैसे इतना सारा अप्लाई करते हो, जैसे आपने टेक्स्ट यूज कर लिया, बैकग्राउंड यूज किया, बॉर्डर जब स्टार्टिंग से हमने किया था तो इतना ही लिखा था, पर बाद में ये सब यूज करने के बाद देखोगे ना तो अच्छी तरह जूम करके देखो, यहाँ पे ये एक डिक्लेरेशन हुआ, उसके पीछे देखो सेमी कॉलन है सब जगह पे, ये सब आपने नहीं किया, देखो यहाँ पे ओके। यहाँ पे पी एक्स का फुल फॉर्म है पिक्सेल ओके, बॉर्डर कलर के बाद जो है ना यहाँ पे मैं जो डॉट कर रहा हूं वो है कॉलन ओके, कॉलन कलर कोड के अंदर देखो यहाँ पे हैशटैग से कलर कोड है। अभी आप लोग सर इसमें से एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, यस डेफिनेटली एमसीक्यू है तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, उसमें आपका और मेरा किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, तो एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, मैं भी नहीं स्किप करूंगा, आपको भी नहीं करना है राइट। जिसको फुल स्कोर करना है मार्क्स इसके लिए, तो जनरल के अंदर ऐसा सब कोडिंग होता है जो एक्चुअली ये सब हमने टाइप नहीं किया, ये टाइप किसने कर दिया था, कंपोजन है, हमने तो यहाँ पे ग्राफिकली सब ऑप्शन को सिलेक्ट किया था राइट है। तो ये हुआ इसका मेन यूज। अभी आपको एडवांटेज ऑफ द सीएसएस के बारे में पूछे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीएसएस, तो सबसे फर्स्ट सेट द स्टाइल फॉर ईच एलिमेंट ओनली वंस, जैसे एच वन के साथ मैंने कोई भी रूल्स अप्लाई कर दिया है तो एच वन के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, लेस कोडिंग है कंपेयर एचटीएमएल, HTML से लेस कोडिंग है, लोड फास्ट, फास्टर लोड होता है, आपको जब वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग करना हो तो क्विक एंड इफेक्टिवली और इफेक्शन आप प्रॉपर ला सकते हो। अब आप लोग सर कैसे हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा, पर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ CSS, ए लेस कोडिंग कंपेयर टू HTML, बी लोडर फास्ट, सी ओके सी सीएसएस मेक वेबसाइट डिजाइनिंग क्विक, डी ऑल ऑफ दिस, तो क्या आएगा ऑल ऑफ दिस। अभी ये ऑप्शन आपको डिसएडवांटेज में भी पूछा जाता है, ऑप्शन ये है और डी नन ऑफ दिस होगा, तो क्या होगा डी नन ऑफ दिस, तो पहले एडवांटेज क्लियर होगा ना तभी तो डिसएडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज के अंदर इतना ही ऑप्शन है। इसके अलावा भी है CSS allow the set of the formatting of the website without changing underlining the structure. अभी आपको पूरा structure clear नहीं होगा, जैसे example ये आपने theory के videos नहीं देखा है, concept नहीं clear है, only for practical के through भी आप CSS apply कर सकते हो, मैंने आपको पहले practical समझाया हुआ है, इसके बाद मैं theory समझा रहा हूँ, तो chapter wise, language wise कई time मैं आपको पहले theory समझाऊंगा, बाद में practical, कई time practical first करवाना पड़ेगा, कई time theory बाद में। इसके बाद विदाउट द फियर एक्सीडेंटली चेंज द डेटा, यहाँ पे एक भी ऐसा होता है जैसे डेटा कभी कभी चेंज भी होता है, मीन स्ट्रक्चर एज यूजुअल सेम रहेगा, हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, डिजाइनर जॉब मेड बी इजियर टू चेंज एंड स्टाइल, जैसे गूगल हर रोज लोगो उसका खुद का चेंज करता है राइट, तो वो उसको मालूम नहीं है मेरा क्लाइंट है, हो सकता है उसकी गूगल की वेबसाइट एप्पल में यूज करे, हो सकता है वो
एंड्रॉइड के अंदर यूज करें, हुबंटू में या माइक्रोसॉफ्ट में, इसे कोई लेना देना नहीं है। इजीली वहां से वो सर्वर में से जो लोगो चेंज करेगा वही लोगो ऑटोमेटिकली सब यूजर को दिखाई देगा। तो इसके अपोज में एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे फर्स्ट, वेरियस विद द डिफरेंट ब्राउजर, लॉट्स ऑफ वेराइटी मिलती है उसके अंदर। जैसे यही CSS आप इंटेल एक्सप्लोर में ओपन करोगे तो कुछ अलग डिजाइनिंग दिखता है, कलर का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा अलग दिखता है। गूगल क्रोम में ओपन करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करोगे तो भी डिफरेंट दिखेगा। आप लोग सर ऐसा, यस, वो डिपेंड अपन ब्राउजर है। इसके लिए सेकंड जो है डिसएडवांटेज, नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर। जैसे ब्लिंकिंग की इफेक्ट है ना, वो आपको कंपोजर में दिखाई देती है, बट अब जब उसका आउटपुट ब्राउजर में देखोगे तो वहां पे वो इफेक्ट नहीं दिख रही है। वो क्वेश्चन मार्क है आपके लिए अभी। ओके, स्टाइल कैन बी डिस्प्ले पर द यूजर डिजाइनिंग। स्टाइल डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है, जिसे आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहां से पूरा प्रैक्टिकल, तो आई होप सो ये थियरी के अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सेशन के अंदर हमने CSS के रूल्स के बारे में लर्न किया कंप्लीटली थियोरी, साथ में उसके जितने भी स्टेप थे CSS के वो हमने क्लैरिफाई किया, एंड देन हमने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसकी थियोरी और प्रैक्टिकल लेस है, अभी हम प्रैक्टिकल के ऊपर डाइवर्ट हो गए। आई थिंक थियोरी के अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, राइट है?